हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवमोनी। तो गाइस, सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय माता दी। जैसे कि आज दशहरा है और मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करने वाली हूँ, तो ये जो श्रृंगार है गाइस, वो मैं थोड़ा राम स्वरूप को लेकर के करूँगी। देखते हैं कैसा श्रृंगार होता है। और यहाँ पर मैं जितनी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ वो टोटली हैंडमेड है। ये ड्रेस भी हमने खुद बनाई है और ये ज्वेलरी, मुकुट और ये इधर जो कड़े रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैंडमेड। चलिए अपने ठाकुर जी को ये ड्रेस पहना देते हैं। तो ये देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को ड्रेस पहना दिया है। हमारे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल राम स्वरूप से हमने इनको, इनका पटका भी दे दिया। पटके को पीछे से ऐसे रोल करके और सामने वाले हाथ से निकाल दिया है। बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसा थोड़ा सा अलग लुक हो जाता है तो हमारे ठाकुर जी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगते हैं। अब चलिए, इनको मैं कमरबंद पहना देती हूँ। तो इनका कमरबंद थोड़ा सा ज़्यादा हैवी नहीं पहनाएंगे हम, बस ऐसे ही नॉर्मली पतला सा ही है ये जो कमरबंद है, तो वो पहना देंगे। बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला कमरबंद, बिल्कुल गोल्ड टच पे है लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है। और एकदम ये धोती के ऊपर जब पहनाते हैं तो ज़्यादा सुंदर लगता है। और भी ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमारे ठाकुर जी बिल्कुल राम स्वरूप वाला, आज इन्होंने, इनका जो ड्रेस है बिल्कुल राम स्वरूप जैसा लग रहा है। अब ये देखिए, हम इन्हें नेकलेस पहनाएंगे। तो ये नेकलेस बहुत ही सुंदर लगता है जब हमारे ठाकुर जी ऐसा कोई हैवी श्रृंगार करते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें ये वाला नेकलेस ज़रूर पहनाऊं। ये देखिए, इस नेकलेस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है गाइस, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से मैं इन्हें पहनाते जाऊँगी। ये देखिए, पीछे से जो इसमें मोती लगा होता है जिससे हम इसे फिक्स कर देते हैं। अब चलिए, इसे थोड़ा सा यहाँ पर एक लॉन्ग नेकलेस पहना देते हैं। ये देखिए, ये तीन लर है इसमें और बहुत ही सुंदर लगता है। और इसी के सेट का है, बहुत ही प्यारा लगता है। थोड़ा सा हैवी श्रृंगार करने के लिए ये वाला नेकलेस परफेक्ट रहता है। तो चलिए, मैं इन्हें पहना देती हूँ। इसे मैं नीचे कर दूँगी, नेकलेस के नीचे से कर देंगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है। देखते हैं सामने से कैसा सेट होता है। तो देखिए, हमने नीचे से इसे, नेकलेस के नीचे से इसे पहना दिया। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखिए, तो हमारा नेकलेस वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारे ठाकुर जी। अब मैं इनको इयर रिंग पहना दूंगी। तो इयर रिंग जो है वो थोड़ा बटन शेप पे है, इसी ज्वेलरी के ही हैं और बटन शेप के हैं तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, तो इसे हम थोड़ा सा ग्लू की हेल्प से फिक्स करते हैं गाइस। ये देखिए, अब इन्हें कड़े पहना देते हैं। तो कड़े क्या है, ये दोनों बिल्कुल गोल्ड टच पे था तो मैंने इसे ही पहना दिया ठाकुर जी को। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से। इसी प्रकार से मैं दूसरे हैंड पे भी इन्हें पहना दूंगी। ठाकुर जी को ये कड़े पहना दिए, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, अब हम यहाँ पर इन्हें ये बाजूबंद पहनाएंगे। ये देखिए, और ये बाजूबंद जो है गाइस, उसमें थोड़ा सा आप ग्लू लगा सकते हैं अगर नहीं फिक्स होता तो, क्योंकि हमारे में जो है वो फिक्स हो जाता है तो हमें ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल फिक्स बना हुआ था तो इसलिए फिक्स हो जाता है। मैंने इनका बिगुल पहना देते हैं। तो इसे साइड से डाल देंगे और ज्वेलरी से क्रॉस करा लेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, धीरे धीरे क्रॉस करा लेंगे। यहाँ पर इसे ऐसे क्रॉस करा लेंगे और फिर हम इसे पटके से भी क्रॉस करा लेंगे क्योंकि वहाँ पे अटक ना जाए। तो ये देखिए, हमने क्रॉस करा लिया है, बिगुल यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब हम यहाँ पर इन्हें ये इनकी फिंगर रिंग पहना देते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, बहुत ही ऊपर लग गया है ये यहाँ पर। तो अब हम इसे, एक छोटी सी है वो हम इस वाले हैंड पर लगा देंगे इन्हें। ये इसे थोड़ा नीचे ही कर देते हैं, बहुत ऊपर से लग रहा था। ये देखिए, तो इस प्रकार से ये फिक्स हो गया है और हमारे ठाकुर जी आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये देखिए, अब मैं इनके पैरों पे भी छोटे छोटे बीट्स रख दूंगी, जैसा कि मैंने फिंगर रिंग मतलब रखी हुई है एज अ, तो यहाँ पर भी मैंने रख दिया है। और इन्होंने पायल तो पहन के रखी हुई है। तो यहाँ पर इनका श्रृंगार कम्प्लीट हो गया है। अब थोड़ा हम इनके फेस पे कर देते हैं। तो ये देखिए, इनका ये जो तिलक है ये हम लगा देंगे। ग्लू की हेल्प से मैं लगा रही हूँ गाइस, इनके लिए स्पेशली, भगवान के लिए अलग से ही ग्लू आता है। और यहाँ पर एक छोटा सा मैं स्टोन रख दूँगी क्योंकि जो तिलक है वो थोड़ा सा छोटा है, तो एक स्टोन रखने से वो मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखने लगता है। तो मैं एक स्टोन उनको ऐसा रख देती हूँ। ये देखिए, फिर इसके बाद हम इनको इनका मुकुट पहनाएंगे क्योंकि अब तिलक भी लग गया है, ऑलमोस्ट सारा श्रृंगार हो गया। तो ये देखिए, जो इनका मुकुट है ये हमने खुद बनाया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इनका तिल जो मुकुट है वो अलग है और जो इनकी किरण है वो अलग है। दोनों ही अलग अलग मैंने बनाया था जब बनाया था। तो पहले मैं इनको हेयर विग लगा दिया है हमने, तो हेयर विग लगाने के बाद आप इसे इजीली सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो पहले मैं इनको मुकुट लगाऊंगी, उसके बाद मैं
इनको किरण लगाऊंगे। तो ये देखिए हमने मुकुट इनको पहना दिया है, अब हम इनको ये किरण लगा देंगे। तो किरण को भी मैं ऐसे यहाँ पर पीछे सेट कर दूंगी। ये देखिए बिल्कुल राम नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये देखिए हमने सेट कर दिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारे ठाकुर जी आज। और इनका जो श्रृंगार है वो थोड़ा सा आज बहुत ही डिफरेंट हुआ है, बहुत ही अलग मुझे नज़र आ रहा है बिल्कुल राम स्वरूप में। और ये हमने इनके लिए बनाया हुआ था ये धनुष। ये देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं गाइस वो टोटली हैंडमेड है, मैंने जैसा आपको बताया। तो ये धनुष भी हमने बनाया हुआ था। तो ये देखिए धनुष के दो तीर भी हमने बनाए हुए थे और इस पर मैंने धागा लगा दिया था। बहुत ही सुंदर लग रहा है हमारे ठाकुर जी आज। इनकी बांसुरी तो इनके पास होगी, बस हम यहाँ पर उनके हाथ पे ये इन्हें धनुष दे देंगे। और ये इनका मोरपंख तो नेसेसरी है, तो हम इन्हें यहाँ पर ऐसे लगा देंगे मुकुट के पीछे। तो वो क्या होगा कि बिल्कुल इनका श्रृंगार जो है वो अब कंप्लीट है। मोरपंख को जो है वो सेट कर दिया है। अब हम इन्हें इनके एक हैंड तो खाली है, तो इसमें हम एक फ्लावर इनको दे देंगे। ये देखिए तो ये फ्लावर हमारे गार्डन से ही लिया गया है और इसे हम इस प्रकार से सेट कर देंगे। ये देखिए पीछे हमने थोड़ा सा ग्लू लगा दिया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटा सा कमल लिया हुआ है इन्होंने। तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं आज हमारे ठाकुर जी, बिल्कुल राम स्वरूप इनका दिख रहा है। और इनका जो श्रृंगार है वो काफ़ी हैवी है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। जैसे कि आज विजयादशमी है तो उसके लिए स्पेशल श्रृंगार यही है इनका। और अब मैं इनकी इत्र सेवा कर देती हूँ, तो ये एयरबेड की हेल्प से मैं इन्हें इत्र लगा देती हूँ। ये देखिए इनके पूरे वस्त्रों में इस प्रकार से मैं इत्र लगा दूँगी। इसके बाद इनका श्रृंगार कम्प्लीट। अब ये विराजमान करेंगे अपने मंदिर पर। तो ये देखिए इस प्रकार से इनका श्रृंगार हो गया। आई होप गाइस आपको हमारा ये श्रृंगार का वीडियो अच्छा लगा हो, समझ आया हो, पसंद आया हो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी आज सच में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल राम जैसा स्वरूप इनका बन गया है आज। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की ऐसी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। गाइस हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है shivmoni14, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए श्रृंगार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।